नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8560906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीपीएससी प्री परीक्षा का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला वीडियो मैं दे चुका हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। लेकिन इस सीरीज को जरूर सपोर्ट कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। द वगेरा अपराइजिंग हैपेंड इन, वगेरा विद्रोह कहां हुआ था, यह क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, सूरत, पूना, कालीकट या फिर बड़ौदा, कहां हुआ था यह? हुआ था कहां पे? बड़ौदा में। बड़ौदा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है बड़ौदा आपका। और यह हुआ कब था? 1818 में हुआ था। एक्चुअली क्या है, बड़ौदा के जो गायकवाड़ लोग थे ना, वो अंग्रेजों की सहायता से क्या करते थे, बहुत ज्यादा कर वसूलना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और इसी के विरुद्ध वगैरह लोगों ने यह विद्रोह किया था। ठीक है, हालांकि जल्द ही इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब इसको कुचल दिया गया विद्रोह को, और 1820 में यह समाप्त भी हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला, न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 के दौरान जो लिखा गया था उसमें सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी? ठीक है, आलोचना की गई थी और इन लेखों का लेखक कौन था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स 1893-94 दैट क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटेरियट। हु वाज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल्स? अरविंद घोष, एओ ह्यूम, जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो यह जो हुआ था आपका, किसने किया था? अरविंद घोष ने आलोचना की थी। ठीक है, अरविंद घोष जो थे वो क्रांतिकारी थे, उग्रवादी ग्रुप से संबंधित थे। ठीक है, जैसे आपके लाल बाल पाल थे ना, उसी तरीके से अरविंद घोष भी थे। ठीक है, उग्रवादी ग्रुप से संबंधित थे और इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। ठीक है, इनका कहना था कि सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर हो चुके हैं, मतलब आम जनता के साथ कांग्रेस जो है वो संपर्क से बाहर हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड सीरीज, लेखों की जो सीरीज है इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, यह क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि बंगाल विभाजन इसलिए किया था कर्जन ने, क्योंकि बंगाल में ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते थे और राजनीतिक रूप से सक्रिय और समृद्ध लोग जो थे जितने भी, वो बंगाल में ही रहा करते थे। और कर्जन का मानना था कि अगर सब लोग एकीकृत होकर के रहे, इकट्ठा होकर के रहे, तो अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वैसे कर्जन ने यह ऑफिशियल कारण यह बताया था कि प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कारण कुछ और ही था। अब इसके विरुद्ध जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी उत्सव मनाने का भी एक प्रावधान किया था, मतलब प्रायोजन किया था, राखी बांधा गया था एक दूसरे को। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया और इसी के साथ जो है बंगाल से बिहार और ओडिशा को पृथक कर दिया गया था। 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी जो है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो ये सब इतिहास है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? Where did Madam Kama hoist the first tricolor flag in 1907 में फहराया था सबसे पहले? तो ये याद रखिए, लंदन, पेरिस, मॉस्को या फिर स्टुटगार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ट हो जाएगा। स्टुटगार्ट में, कहां के स्टुटगार्ट में? जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आगे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने पहला तिरंगा ध्वज फहराया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी?
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा पूछा जा रहा है, यहां पर गौर करिएगा, प्रथम महिला अध्यक्षा पूछेगा तब आपका एनी बेसेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा पूछ रहा है यानी कि भारत की महिला, तो श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो उस समय थी भी नहीं, तो इंदिरा गांधी तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी वो बनी थी कब? 1925 में, 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी, जो कि 40वां अधिवेशन था, ठीक है, 40वें अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला, ठीक, सरोजनी नायडू। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? यह भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, चंपारण, छपरा, बेतिया या फिर पटना, चारों बिहार के ही स्थान दिए हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण, चंपारण, चंपारण में हो गया था। कब? 1917 में। मैंने आपको बताया था कि राजकुमार शुक्ला ने इनको आमंत्रित किया था, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, राजकुमार शुक्ला ने इनको आमंत्रित किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, वो गांधी जी से मिले थे, और तीनकठिया पद्धति जो चंपारण में चलाई जा रही थी उसके विरुद्ध उन्होंने गांधी जी को बताया था कि भैया तीनकठिया पद्धति जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है किसानों को, और इस कारण से उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है, पहला सत्याग्रह आंदोलन उसी को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 1920-22 मतलब 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या फिर गांधी जी अंग्रेजी जानते थे, बात सही है, लेकिन ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता है। निपुण राजनीतिज्ञ थे, ये भी बात सही है, लेकिन यह भी आंसर सही नहीं है। धर्म के प्रतीक थे, लेकिन यह भी आंसर सही नहीं होगा। आंसर सही क्या हो जाएगा? गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ऐसी मान्यता हो गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले वो चंपारण में आंदोलन कर चुके थे जो कि सफल रहा था, इसके अलावा वो अहमदाबाद में आंदोलन कर चुके थे, मिल मजदूरों का जो आंदोलन था उसमें भी उनको सफलता मिली थी, ठीक है, और इसके अलावा खेरा में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भी उनको सफलता मिली थी। तो इन सब सफलताओं के बाद ऐसी बिहार में भी मान्यता थी और पूरे देश भर में मान्यता था कि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 77 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या फिर राजकोट सत्याग्रह? आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? तो असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा घटना हुआ था? चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर के नजदीक है, ठीक है, गोरखपुर के नजदीक है, जहां पर क्या हुआ था कि सत्याग्रहियों पर पुलिस ने क्या किया, गोली चला दिया। अब गोली कांड हुआ तो फिर सत्याग्रही जो है वो हिंसक हो गए और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, पुलिस थाने में जब आग लगाई गई, और ये कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, ठीक है। अब पुलिस थाने में आग लगा दी तो कुछ पुलिस वाले मर गए, इतने सारे सत्याग्रही मरे और कुछ पुलिस वाले मर गए। अब गांधी जी ने इसको अपना हिमालय जैसा भूल बताया, उन्होंने कहा कि भारतीय जो है वो अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है। तो ये था चौरी चौरा। चलिए आगे देख लेते हैं, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? सबसे पहले तो याद रखिएगा गया कहाँ है, बिहार में है, तो बिहार में 1922 में कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है इसके अध्यक्ष कौन थे, चितरंजन दास, एसएन बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी हो गया, या फिर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर हाकिम अजमल खान? आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा आपका चितरंजन दास। चितरंजन दास जो थे वो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसी के बाद याद होगा आपको, इसी के बाद 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन कर लिया था, ठीक है। तो इस अधिवेशन में जो है मतभेद हो गया था, इनका मानना था कि उन्हें काउंसिल में शामिल होकर के, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें शामिल होकर के, या फिर विधान परिषद में शामिल होकर के, और तब उसके अंदर से सिस्टम में शामिल होकर के तब विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और कानूनों को लागू होने से रोकना चाहिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया और इसी कारण से उनमें मतभेद उत्पन्न हुआ, और फिर मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो है वो स्वराज दल बना करके अलग हो गए 1923 में, ठीक है। तो ये थे चितरंजन दास जो कि गया में 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे देख लेते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? छपरा में वो ज्यादा सक्रिय थे, छपरा में राहुल सांकृत्यायन सक्रिय थे जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में
है सारण जिले में, छपरा है, ठीक है, बिहार से, सारण जिले से, छपरा से वो मतलब कि यहाँ पर सक्रिय थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जन्म जो, ये अगर राहुल संप्रदायन की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1893 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1963 में हुई थी, ठीक है। ये 1912 में घर छोड़ दिए थे और 1912 में सन्यासी बन गए थे और इनका नाम क्या हो गया था, बाबा रामोदर दास, बाबा रामोदर दास। थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बिहार से ही जुड़े हुए हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है। बाबा रामोदर दास इनका नाम हो गया था। 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इनको जो है 6 माह के जेल की भी सजा हुई थी, ठीक है। तो ये सक्रिय कहां से थे, छपरा से सक्रिय थे, याद रखिएगा। जन्म मृत्यु सब कुछ मैंने बता दिया आपको इनके बारे में। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, वो बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में या फिर 1920 के दशक में। मैंने आपको बताया था कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, यहाँ पर यूनाइटेड किसान सभा है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। मैंने बताया था अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में बताया था कि 1936 में इसका उन्होंने गठन किया था, किन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। अब यहां पर यदि देखें तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले कब किया था, 1949 में उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। तो यह जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है, तो 1949 में उन्होंने किया था। ये दोनों में अंतर समझिए, ये है आपका अखिल भारतीय किसान सभा और ये है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, दोनों में अंतर है, ठीक है, एक 1936 और एक 1949, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो ये है कि किसने दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सजानंद सरस्वती या फिर एस एन सिन्हा। तो यहां पर यदि देखें तो क्वेश्चन है, हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर द स्यूडोनिम्स लाइक दुखी दुखी आत्मा एंड दुखी हृदय। आंसर क्या हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने इन छद्म नामों के साथ किसानों की दुर्दशा को बताया था चंपारण में, ठीक है, याद रखिएगा, पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक। आगे देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, आइडेंटिफाई द ईयर्स 2000 क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आरएसएस रेस्पेक्टिवली। तो 1915 या फिर 1914, 1925-25, 1928-25, 1925 और 29। आंसर क्या हो जाएगा, 1925, दोनों की स्थापना जो है 1925 में हुई हुई थी, चाहे वो आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर आप आरएसएस की बात करें, सीपीआई की यदि बात करें या फिर आईसीपी या फिर सीपीआई, दोनों एक ही हुआ। तो सीपीआई की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 दिसंबर को हुई थी, 26 दिसंबर 1925 को हुई थी, और आरएसएस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 27 सितंबर को हुई थी, ठीक है। तो दोनों हुआ कब था, 25 में ही हुआ था, 1925 में ही दोनों स्थापित हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1925, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा एक समिति ने बनाया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी और विषय क्या था, यह पूछा जा रहा है। द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय डैश एंड द सब्जेक्ट वाज डैश। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत के संबंध, पहला ऑप्शन है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू और भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था, जवाहरलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू ने किया था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू भी दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है गलत हो जाएगा और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, आप आंसर छांट भी सकते हैं, ठीक है, आप आंसर छांट भी सकते हैं, जैसे अभी मैंने छांटा है, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा तो तीन ऑप्शन में दिया हुआ है तो तीनों को मैंने छांट दिया, तो एक बच गया वही सही आंसर होगा। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्था इसका विषय था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा यदि हम लोग देख लें तो उस समय भारत सचिव थे कौन, लॉर्ड बर्केनहेड, ठीक है, लॉर्ड बर्केनहेड उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और उनका ये चैलेंज था कि भारतीय जो है वो अपने लिए एक समुचित संविधान का प्रारूप तैयार कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी और उसी नेहरू समिति ने नेहरू रिपोर्ट बनाई जिसको कि बनाया गया, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, ठीक, याद रखिएगा। इसके लिए 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है।
याद जरूर रखिएगा। इस समिति में सदस्य कितने थे? टोटल 8 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इस समिति ने मांग क्या क्या की थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पर सांप्रदायिक आधार पर जो अलग निर्वाचक मंडल बनाया गया था 1919 में या फिर 1909 में, इसका नेहरू रिपोर्ट में विरोध किया गया, ठीक है, कि सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्या क्या मांग किया था और किसका विरोध किया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आप आसानी से बता सकते हैं यदि आपने पिछला वीडियो देखा है। अभी भी यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक है। पहला जो हुआ था आपका 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। एग्जैक्ट डेट मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए इस बार नहीं बताऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया किस कारण से शुरू हुई, यही पूछा जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस इन द अर्ली इयर्स ऑफ 20th सेंचुरी बिगन ओवर। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 86 की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इन सभी मामलों पर मतभेद था, इन सभी मामलों पर कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी मतभेद था, गर्म पंथियों और नरम पंथियों में, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर भी मतभेद था और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी मतभेद था। इनका मानना था, गर्म पंथियों का मानना था कि नरम पंथी लोग जो है वो आम जन से जुड़े हुए नहीं है, और बात सही भी था, जो गर्म पंथी लोग थे, जो उग्रवादी लोग थे, वो आम जनता के बीच से आए थे, जबकि नरम पंथी लोग जो थे वो अधिकतर समृद्ध परिवार से आए थे, सुदृढ़ परिवार से आए थे और उनका आम जनता से ज्यादा संपर्क नहीं था। उसके अलावा क्या हुआ कि 1906 में जो उग्रपंथी थे वो किसको, लाला लाजपत राय जी को बनाना चाहते थे, लाला जी को बनाना चाहते थे कांग्रेस का अध्यक्ष, जबकि इन्होंने क्या किया, नौरोजी जी को बना दिया, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर भी 1907 में भी जब सूरत में अधिवेशन हुआ था तब भी वो लोग लाला जी को बनाना चाहते थे, लेकिन 1907 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरे लोग बन गए, ठीक है। तो इस कारण से दोनों में मतभेद हो गया था, ठीक है, और यही कारण था कि 1907 का जो सूरत का अधिवेशन था आधा अधूरा छूट गया और फिर जो है 1908 से गर्म पंथियों के लिए दरवाजा बंद हो गया कांग्रेस का और यहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ गई, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे जिसमें ये सभी कारण आ जाएंगे यहाँ पर यदि क्वेश्चन की बात करें तो। चलिए आगे देख लेते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच में क्या समानता थी? व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज एंड विलियम डिग्बी? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्र आंदोलन के विरोधी थे, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने टिप्पणियां लिखी थी, टिप्पणियां लिखी थी, कैथरीन मेयो हो या फिर जो भी है, ये सब ने, हेक्सले हो, एंड्रूज हो, डिग्बी हो, सबने टिप्पणियां लिखी थी, ठीक है। कैथरीन मेयो ने जो है आपका लिखा था, मेयो जो है उन्होंने लिखा था मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया नाम से उन्होंने लेख लिखा था, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें हम लोग डिग्बी की, यदि बात करें डिग्बी की, तो इन्होंने जो है, डिग्बी ने लिखा था द अवेकनिंग ऑफ इंडिया, द अवेकनिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, द अवेकनिंग ऑफ इंडिया। इसके अलावा यदि बात करें हम लोग किसकी, एंड्रूज की, एंड्रूज की यदि बात करें तो उन्होंने क्या लिखा था बताता हूं मैं, एंड्रूज ने लिखा था महात्मा के मित्र, 1904 में ये भारत आए थे, सॉरी चार्ल्स एंड्रूज जो थे वो 1904 में भारत आए थे और महात्मा गांधी के मित्र भी थे और इन्होंने टिप्पणी भी लिखी थी, ठीक है, इन्होंने टिप्पणी भी लिखी थी। चलिए, और हेक्सले जो थे, हेक्सले जो थे इन्होंने भी टिप्पणी लिखी थी और ये जो है हेक्सले ये आपके 1900 के आसपास भारत आए थे, ठीक है। तो इन चारों ने ही भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी थी, यही इसमें समानता है चारों में। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या फिर आजाद? तो यहाँ पर बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है, बिस्मिल जो है वो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप। लेकिन यहाँ पर हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल से बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखा था, ये गलत बात है। बिस्मिल अजीमाबादी, नाम इनका क्या था, बिस्मिल अजीमाबादी, जिन्होंने यह लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी उनका नाम था। और ओरिजिनल नाम यदि बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, सैयद शाह मोहम्मद हसन इनका ओरिजिनल नाम था और ये बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से लिखा करते थे, ठीक है, बहुत बड़े शायर। चलिए, और इनका जन्म यदि हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1901 में,
इनका जन्म हुआ था 1901 में बिस्मिल अजीमाबादी का, और इन्होंने प्रकाशन जो हुआ था इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1922 में हुआ था, 1922 में प्रकाशन हुआ था। और ये जो लिखा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ठीक है, यह अब्दुल गफ्फार की पत्रिका, अब्दुल गफ्फार नाम के एक लेखक थे, अब्दुल गफ्फार ठीक है प्रकाशक थे, उनकी पत्रिका का नाम था सबाह, ठीक है, उसी में यह छपा था यह शायरी, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, ये अजीमाबादी जी जो थे, इनका जन्म हुआ था कहां पर, बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में हुआ था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और बिहार में कहां हुआ था, बिहार में बिनाहा गांव था, ठीक है, बिनाहा गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, हट्टास बिनाहा गांव, ठीक, टोटल नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, 1921 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था, हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। यदि इसका देखें हम लोग आंसर तो मौलाना हसरत मोहानी हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यदि देखें तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, लेकिन यहां पर 1921 की बात हो रही है तो यहां पर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। यहां पर क्या हुआ था 1921 में क्या हुआ था, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान, ठीक है, यहाँ पर अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खान, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र में रामोशी किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था, महाराष्ट्र में रामोशी किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था, हु वाज एसोसिएटेड विद रामोशी पीजांट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर ज्योतिबा फुले, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, ये जुड़े हुए थे किससे, रामोशी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था बलवंत फड़के जी का, ये 1845 में हुआ था, ठीक है, 1845 में हुआ था। और ये जो है रामोशी विद्रोह जो था उसके पहले भी बहुत सारे नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन जब वासुदेव बलवंत फड़के रामोशी विद्रोह से जुड़े थे तब इन्होंने इसको एक लड़ाकू दल में बदल दिया, ठीक है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है, तो लड़ाकू दल में इन्होंने बदल दिया किसको, रामोशी आंदोलन को, ठीक है। और 1883 में आमरण अनशन करते हुए वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, क्वेश्चन क्या है, रद्द किसने किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसके समय में लागू हुआ था, इस बार है रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, ठीक है, तो यह जो है आपका 1878 में लागू हुआ था, किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, और रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, याद रखिएगा, किसने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, कब किया था, 1882 में, ठीक है, 1882 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, हु पब्लिश्ड जनरल फ्री हिंदुस्तान इन अमेरिका, रामनाथ पुरी, जी डी कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारकनाथ दास, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका तारकनाथ दास ने किया था, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, याद रखिएगा, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, रट लीजिए ना, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास कब किया था, अप्रैल 1908 में किया था, कहां से, अमेरिका में बैंकुवर से, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, क्या पता अमेरिका ना दे बैंकुवर दे दे ऑप्शन में, तो यह भी जो है आपको पता होना चाहिए बैंकुवर कहां है, अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण था, गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध या फिर करतार सिंह सराभा की फांसी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका प्रथम विश्व युद्ध, गदर आंदोलन की शुरुआत का प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध, एक्चुअली क्या था, प्रथम जो उग्रवादी थे ना उनका मानना था कि अंग्रेज यदि किसी भी तरीके से कमजोर हो जाते हैं तो वह भारत के हित में है, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध चला था और अंग्रेजों की स्थिति खराब होने लगी थी तो उग्रवादियों ने अपना आंदोलन जो था वो तेज कर दिया था, ठीक है, और इसी कारण से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक,
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को एक मौके के रूप में तलाशा था किन्होंने, उग्रवादियों ने। चलिए, उग्रवादी कहना सही नहीं होगा, क्रांतिकारी कहना ज्यादा सही होगा। वैसे उग्रवादी किताबों में लिखता है, होम रूल सपोर्टर किस सत्र में अपनी राजनीतिक शक्ति में सफल हुए, इन विच सेशन होम रूल सपोर्टर सक्सीडेड इन दियर पॉलिटिकल पावर। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, AITUC बॉम्बे का अधिवेशन 1920, पहले UP 1918 की किसान सभा, और संयुक्त AITUC और NTU 1938 में नागपुर का सम्मेलन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का हो जाएगा यहाँ पर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये लोग जो है अपना कर पाए थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाए थे, क्योंकि कांग्रेस के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, और कांग्रेस के एकीकरण में होम रूल आंदोलन के जो नेता थे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे वो तिलक हो चाहे वो एनी बेसेंट हो, ठीक है, दोनों की ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी कांग्रेस के एकीकरण में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। इंडियन अनरेस्ट एक किताब है जिसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या फिर वैलेंटाइन सिरोल। आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखा था। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे, और उन्होंने भारतीय अशांति का जनक किसको कहा था, तिलक को कहा था। ठीक है, तिलक को उन्होंने भारतीय अशांति का जनक बताया था, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में 1917-18 का अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने भाग लिया। तो पहले भी बता चुका हूं इसी वीडियो में, किसान वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, पीपुल्स यानी कि मास, या फिर मजदूरों ने भाग लिया था। किन्होंने भाग लिया था, मैंने अभी जस्ट इसी वीडियो में बताया है। आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिक हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक श्रमिक हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, श्रमिकों का यह विरोध विद्रोह प्रदर्शन था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था, 1918 में यह विद्रोह हुआ था, और किस कारण से हुआ था, प्लेग बोनस को लेकर के हुआ था। ठीक है, प्लेग बहुत तेजी से फैला था, और प्लेग के कारण बोनस का वादा किया गया था, लेकिन बोनस दिया नहीं जा रहा था। ठीक है, तो वहां पर जाकर के महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया औद्योगिक श्रमिकों के साथ, और फिर उनको सफलता मिली थी। किस शहर में 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी से गैर सहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया था। इन विच टाउन 1920 खिलाफत कमिटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड व्हिच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, या फिर कराची। कहां पर हुआ था यह अधिवेशन, ये अधिवेशन जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 9 जून 1920 को हुआ था। ठीक है, 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी का हुआ था बैठक। ठीक है, और इसमें जो है गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया था। गांधी जी ने मांग की थी कि मुसलमान भी जो है वो असहयोग आंदोलन में भाग ले। ठीक है, और इसी समिति की बैठक में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की गांधी जी की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। याद रखिएगा, 9 जून 1920 इलाहाबाद। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या फिर खरीफ और रबी के समय सरकार को बराबर लगान देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि लगान का नगद में परिवर्तन, जो लगान लिया जाता था वो नगद में लिया जाए, इसकी मांग की थी उन्होंने, लगान का नकद में परिवर्तन। लगान का नकद में परिवर्तन इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये याद रखिएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। वो लोग लगान देना चाहते थे लेकिन नगद में देना चाहते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लगान का नकद में परिवर्तन। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, या फिर निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। यहाँ पर अच्छा, एका आंदोलन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इससे पहले एका आंदोलन के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो यह जो है 1921-22 में चलाया गया था। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, 1921-22 में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और पिछड़ी जातियों ने चलाया था, पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था, यह याद रखिएगा। ठीक है, और लगान का नगद में परिवर्तन इसका उद्देश्य था। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे किसानों के प्रतापगढ़ जिले में जो किसानों ने आंदोलन चलाया था उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, जो आपका नाई धोबी बंद आंदोलन था, नाई धोबी बंद जो सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक, चलिए
अब इसके बारे में यदि हम लोग देखें तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल इन दोनों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अवध के किसानों को एक किया और फिर आंदोलन किया था। ठीक है, अवध के किसानों को एक करके प्रतापगढ़ जिले में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, लेकिन बाद में इससे बाबा रामचंद्र जुड़े। ठीक है, बाबा रामचंद्र जुड़े। ठीक, और इन्होंने इस आंदोलन को बहुत तेज कर दिया। इन्होंने अवध के किसानों को एक करके और फिर इस आंदोलन को बहुत तेज गति दे दी। ठीक है, तो याद रखिएगा झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल और बाबा रामचंद्र तीनों जो है वो प्रतापगढ़ जिले के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, नाई धोबी बंद आंदोलन से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी, आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। आईएनए वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ होम एंड हु फाउंडेड इट, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद तो होगा नहीं, भगत सिंह होगा नहीं, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर मोहन सिंह में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये कौन थे, डॉक्टर मोहन सिंह जो थे वो ब्रिटेन सेना में ऑफिसर थे, ब्रिटेन की सेना में अधिकारी थे, और बाद में जो है ये जापानियों के सहयोग से युद्ध बंदियों के साथ मिलकर के आईएनए का गठन किए थे। ठीक है, जब जापान की स्थिति मजबूत होने लगी तो ये क्या किए थे, डॉक्टर मोहन सिंह जो है वो जापान के साथ मिल गए थे और जापान ने इनको जो है युद्ध बंदियों को दे दिया और युद्ध बंदियों की सहायता से सहयोग से इन्होंने आईएनए का गठन कर दिया था। ठीक है, और बाद में इससे जुड़े कौन, सुभाष चंद्र बोस। आगे देख लेते हैं, किस कांग्रेस की किस कार्यकारी समिति ने भूमि स्वामित्व के अधिकार को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। Which executive committee of Congress adopted a policy to abolish the right of land ownership? कार्यकारी समिति 1937, 1942, 1945 या फिर 1946? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कांग्रेस की कार्यकारी समिति 1937 ने ऐसा किया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किया गया था, इसके तहत जो है इसी में डिसीजन लेकर के और संयुक्त प्रांत और बिहार, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी और बिहार में काश्तकारी बिल को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस और टी आर होम्स। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था 1857 का विद्रोह। लॉरेंस और सीले का कहना था, लॉरेंस और सीले का कहना था कि देश यह जो है 1857 का आंदोलन जो है वह देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह है। ठीक है, देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह है, यह लॉरेंस और सीले का कहना था। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के आंदोलन में भाग नहीं लिया था, कृषि व्यापारी, गरीब व्यापारी, किसान और जमींदार। ठीक है, अब यहां से आपको आंसर चुनना है, केवल एक, एक और दो, केवल दो और दो और चार। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो है यदि हम लोग देखें तो जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, एकाध जमींदार जो वीर कुंवर सिंह जैसे थे वो एक्सेप्शन थे, बाकी जमींदारों ने यदि देखें तो भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब यहां पर और देखें यदि तो किसने भाग नहीं लिया था ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, तो गरीब व्यापारियों ने भी भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया था, किसानों ने भाग लिया था और कृषि व्यापारियों ने भाग लिया था। ठीक है, किसानों और कृषि व्यापारियों का 1857 में रोल था, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो और चार हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, दो और चार हो जाएगा। ठीक, मेनली लाइन आता है कि साहूकारों और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, साहूकारों और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ये कंप्लीट लाइन किताबों में लिखा हुआ मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ, कौन सा वर्ग जो है वो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुआ। विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेस डिडंट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, महिलाएं, किसान, मुसलमान और बुद्धिजीवी। कोड है एक और दो, एक दो तीन, दो तीन और दो चार। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका सी, दो और तीन, दो और तीन, मतलब किसान और मुसलमान जो थे वो प्रभावित नहीं हुए थे। महिलाओं ने भी भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में, जो शराब के ठेके थे सरकारी उस पर जाकर के वो प्रदर्शन वगैरह किया करती थी, और बुद्धिजीवी वर्ग तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे ही जिन्होंने भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग में ही रविन्द्रनाथ टैगोर भी आते हैं, जिन्होंने राखी महोत्सव का आयोजन करवाने की बात की थी। ठीक है, और उन्होंने अलग अलग स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहुत सारे स्कूल और विश्वविद्यालय भी खोले गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं दिया था, ये क्वेश्चन है, नहीं दिया था ये याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एच एस ऑलकॉट। तो यहाँ पर एच एस ऑलकॉट की यदि बात करें तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है,
थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो आंसर तो यहीं पर मिल गया आपका, एच एस ऑलकॉट, ठीक है। बाकी यदि बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, ठीक है, और एनी बेसेंट ने अडयार मद्रास में क्या किया था, होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। हु सॉ खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वुड नॉट सीन इन 100 ईयर्स, अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जब खिलाफत आंदोलन हुआ और देखा महात्मा गांधी ने कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमान जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, तो उन्होंने आह्वान किया कि भैया मुसलमान हिंदू तो पहले से ही कांग्रेस में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और हिंदू तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, अब मुसलमान भी खिलाफ हो चुके हैं, तो दोनों को अगर यूनाइटेड कर दिया जाए तो फिर दोनों मिलकर के अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको एक बहुत बड़े मौके के रूप में देखा और तब जो है खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग, ये आपका खिलाफत आंदोलन के साथ आपका असहयोग आंदोलन भी चालू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम का चयन करें। तो इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको इसी वीडियो में, लेकिन देख लेते हैं, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले तो गोलीकांड हुआ, उसके बाद थाना को जला दिया गया उग्र भीड़ के द्वारा, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन का स्थगन कर दिया और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सही क्रम ही है, तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनायतुल्ला मिसरी और मौलाना हसरत मोहानी। आंसर क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है, और इसको जो है आपका खुदाई खिदमतगार संगठन का भी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, एम एन रॉय, मोहम्मद अहमद, मुजफ्फर अहमद, फिर है एस ए डांगे और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, एम एन रॉय हो जाएगा, ठीक है। एम एन रॉय नहीं, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की भी मांग की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है पॉलिटी का, ठीक है। एम एन रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले भी पहले भारतीय कौन थे, एम एन रॉय ही थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी, ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और किसने की थी, लेनिन ने की थी, लेनिन और रूस की बोल्शेविक पार्टी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, रूस की बोल्शेविक पार्टी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो है जुड़ने वाले पहले कौन थे, एम एन रॉय थे, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, व्हेन डिड द ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूटेड, 1924, 1926, 1927 एंड 1929। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1927। अब इसके बारे में जरा सा देख लो, यदि हम लोग तो बलवंत राय मेहता, BR मेहता, ठीक है, BR मेहता, साथ में इनके कौन थे, साथ में मनीलाल कोठारी और इसमें एक और व्यक्ति का योगदान था जो थे जी आर अभ्यंकर। इन तीनों ने मिलकर के ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, ठीक है, कब किया था, 1927 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो पहला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को छोड़ दिया और कारण दिया हुआ है कि उन्होंने सोचा कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो कथन जो है वो सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन ये रीजन जो दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है, ठीक है, 111 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1856 में पारित निम्नलिखित कानून, धार्मिक विकलांगता अधिनियम यानी कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, सती निषेध विनियमन 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और चौथा दिया हुआ है हड़प नीति, इन चारों के बारे में सही कोड चुनना है, ठीक है। 1856 में कौन कौन सा पारित हुआ था यह हमें चुनना है, ठीक। तो यहां पर यदि देखें तो धार्मिक, ये जो आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट है ये 1856 में हुआ था,
और साथ में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह भी जो है 1856 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विच महाराष्ट्रियन रिफॉर्मर वॉज नॉन एज लोक हितवादी, किस महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है। तो पहले भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रामाबाई और गोपाल हरि देशमुख। यहां पर लोक हितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख जी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ये प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। किसके द्वारा मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की गई, जिसके लिए तिरुनेलवेली में 1899 में भयानक दंगे की शुरुआत की गई थी। बाय हुम डिमांडेड द राइट ऑफ टेम्पल एंट्री फॉर विच द तिरुनेलवेली ट्राइबल टेरिबल राइट वॉज लॉन्च्ड इन 1899। सबसे पहले तो याद रखिएगा 1899 में हुआ था तिरुनेलवेली में दंगा। अब इसमें है वो कलिंगा, नादरा, माहिर और पाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नादरा। नादरा जो थे उन्होंने यहां पर मारवा के खिलाफ, नादरा नादरा वर्सेस मारवा, ठीक है, नादरा और मारवा के बीच में यहां पर संघर्ष हुआ था। ठीक, और यहां पर दंगे की दंगा जो है वो भड़क गया था 1899 में। और ये कब हुआ था, 6 जून 1899 को हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, डेट जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी डेट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। विच क्लासेज ऑफ पॉपुलेशन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या फिर उदार रजवाड़े। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 115 में यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 मतलब कि बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े, ये तीनों जो है वो मुख्यतः प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से। यहां पर निर्धन सर्वसाधारण वर्ग यानी कि कॉमन पीपल जिसको कहते हैं, आम इंसान जिसको कहते हैं, वो प्रभावित नहीं हुआ था इन आंदोलनों से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 1, 2 एवं 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक है HRA और एक है HSRA, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो दोनों का अंतर मैं अभी बताऊंगा आपको। 1920, 1924, 1928 और 1930, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो HRA की जो स्थापना हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, यह हुई थी आपकी 1924 में। ठीक है, 1924 में HRA की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, सचिंद्रनाथ सान्याल का। सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था, उनको इसका संस्थापक माना जा सकता है। ठीक है, और इसी संगठन के लोगों ने काकोरी कांड किया था। ठीक है, काकोरी कांड इसी संगठन के लोगों ने किया था। कब किया था, 9 अगस्त, आज का दिन भी 9 अगस्त ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें सरकारी ट्रेन को लूटा गया था, डकैती की गई थी ताकि क्रांतिकारियों के लिए धन इकट्ठा किया जा सके और हथियार वगैरह खरीदा जा सके। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925, ठीक, आज ही के दिन याद रखिएगा, 1924, ओके। और सचिंद्रनाथ सान्याल इसके संस्थापक थे। HSRA की बात करें तो इसको जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी घोषणा की गई थी HSRA की, और भगत सिंह जो थे वो उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, फिरोज शाह कोटला के मैदान में। हालांकि इसका संस्थापक यदि पूछा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था तो वहां पर था पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहां पर आंसर क्या हुआ था, सरोजनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। ठीक है, यहाँ पर सरोजनी नायडू भी आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, पंडित रमाबाई, अरुणा आसफ बली और एनी बेसेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं, ये कब बनी थी, 33rd अधिवेशन हुआ था, 33rd जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और उसमें ये बनी थी। ठीक, कलकत्ता में, ओके, याद रखिएगा। ठीक, और ये जो हुआ था आपका 33rd अधिवेशन, ये कब हुआ था, ये आपका
हुआ था। यहाँ पर 8-8 साल याद रखिएगा, ठीक है, 8-8 साल याद रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, और फिर इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट जो बनी थी आपकी वो बनी थी 1933 में, ठीक है। नेक्स्ट जो महिला बनी थी वो 1933 में बनी थी। कौन बनी थी जरा सा कमेंट में लिख करके हमको बताइएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 1933 में कौन बनी थी महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवानाथ शास्त्री या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी वो किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी ये भी एक क्वेश्चन है, तो 1873 में की थी, ये तो क्वेश्चन नहीं दे दिया है, ठीक है। और इन्हीं का, ज्योतिबा फुले जो थे, इन्हीं का एक किताब था गुलामगिरी, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, गुलामगिरी के बारे में, तो याद रखिएगा इसके बारे में भी, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था, ये जो आपका सत्यशोधक समाज था इसका उद्देश्य क्या था, पिछड़े वर्ग का उत्थान, इसका पिछड़े वर्ग का उत्थान इसका उद्देश्य था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, ठीक है, हु वाज द फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म ऑफ लेट 19th सेंचुरी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने कब कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, कब इन्होंने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ये जरा कॉमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, ठीक, तो कॉन्फ्रेंस में कब भाग लिया था ये आप बताइएगा मुझे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है, होम रूल मूवमेंट भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय था, क्योंकि इसने देश में स्वशासन का मार्ग प्रशस्त किया, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त संघर्ष शुरू हुआ और इसने चरमपंथियों और उदारवादियों को एकजुट किया। यहाँ पर है, इट पेव्ड द वे ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट टू द कंट्री, इट वॉज लेड बाई गांधी जी, अ ज्वाइंट स्ट्रगल स्टार्टेड बाई हिंदूज एंड मुसलमान्स एंड इट यूनाइटेड एक्सट्रीमिस्ट एंड लिबरल। बात तो सही है कि इसने चरमपंथी और उदारवादियों को एकजुट किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, क्योंकि उसमें एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर स्वशासन, ठीक है, होम रूल का मतलब ही होता है गृह शासन, गृह शासन, ठीक है, तो यहाँ पर स्वशासन का मार्ग इन्होंने जरूर प्रशस्त किया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 120 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट जो आंसर होता है वही हम लोगों को देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1907, 1913, 1917 या फिर 1920, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 1913 में 1 नवंबर को 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, इसकी जो स्थापना है उसमें लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, याद रखिएगा, गदर पार्टी जब भी आए तो इन दोनों का नाम जरूर होगा। और ये इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, यह भी याद रखिएगा, कभी कभार अमेरिका न देकर के सैन फ्रांसिस्को ही दे देगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं, नोआखली के समय में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर नोआखली के समय में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे प्यारे लाल, ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे लाल का नाम, ठीक है, प्यारे लाल बहुत ही प्यारे भाई, याद रखिएगा 122 का आंसर प्यारे लाल। चलिए आगे देख लेते हैं, 1923 से 28 की अवधि में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरुत्थान का क्या कारण था, हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं को का बढ़ता प्रभाव, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव या फिर अंग्रेजी द्वारा भारतीय मांगों की स्वीकृति, अंग्रेजों द्वारा भारतीय मांगों की अस्वीकृति, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चारों जो है वो भी चारों का चारों इसका कारण है, ठीक है, इसका चारों का चारों कारण है नो डाउट, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट कारण है वो है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोग और बच्चे लोग सब लोग भाग लिए थे और सबको लगता था कि आजादी तो मिल ही जाएगी, और गांधी जी ने भी वादा किया था कि अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो 1.5-2 साल में हमको आजादी मिल जाएगी, लेकिन असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा के कारण वापस हो गया, इससे बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया और लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया दोबारा से, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, इसका मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि यहाँ पर भारतीय लगा देता, यदि यहाँ पर भारतीय लगा देता तो सी राजगोपालाचारी हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल केवल पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने पहचान की क्या किया, आफ्टर फेल्योर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड रचनात्मक कार्यक्रम यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, हिंसा का सीमित उपयोग यानी कि लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस, गांधी जी के साथ 16 यानी कि सॉरी अंग्रेजों के साथ 16 तो कंसिलेशंस विद इंग्लिश, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर ज्यादा जोर दिया, जैसे चरखा से सूत काटना, ये सब जो कार्यक्रम थे उन पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, गांधी जी के द्वारा पढ़ाई लिखाई और मतलब संत की तरह वो जो है प्रवचन वगैरह दिया करते थे और भी बहुत सारे रचनात्मक कार्य किया करते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो इसके असफलता के तो बहुत सारे कारण है लेकिन देखते हैं कि कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट कारण है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की गैर भागीदारी, जमींदारों की गैर भागीदारी भी थी ये भी सही है, इसके प्रभाव का क्षेत्र सीमित था ये भी सही है, और हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरीके सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, योजना बनाने का समय ही नहीं मिला, अचानक से आउटब्रेक हो गया। ठीक है, मेरठ में तो यह जो है आपका, और केंद्रीय संगठन तो था नहीं, जो आपका बहादुर शाह जफर था वो जो था क्या था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ठीक है, और उसके बाद के जितने भी लेटर मुगल के शासक थे वो सब बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, और दिल्ली की सत्ता पर जो लोग भी विराजमान थे वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, बूढ़े भी हो चुके थे तो वो नेतृत्व कर नहीं सकते थे ढंग से। ठीक है, तो केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, और उस समय ये मोबाइल और पेजर और बाकी सब चीजें तो हुआ नहीं करती थी कि ईमेल कर दिया और सब लोग इकट्ठा हो गया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया और सब लोग इकट्ठा हो गया, उस समय तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी लोगों को आपस में संपर्क करने में भी, तो ये सब बहुत ज्यादा बड़ा कारण था। अब यहाँ पर सूची वन दिया हुआ है, सूची दो दिया हुआ है, और इसमें जो है आपको मिलान करना है कि सही मिलान क्या है। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, ठीक है, पहला है, दूसरा है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, तीसरा है आनंद मठ, चौथा है परसेप्ट ऑफ जीसस, और पांचवा है हमारे भारतीय मुसलमान, और इधर दिया हुआ है ताराचंद, दूसरे में दिया हुआ है WW हंटर, तीसरे में राम मोहन राय, चौथे में फादर बुलके, और पांचवे में के दत्ता। ठीक है, और यहाँ पर एक छठा ऑप्शन भी होगा, यहाँ पर एक छठा ऑप्शन जो है वो मिसिंग है, और ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, छठा ऑप्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि देख रहे हैं आप ऑप्शन में जो है आपका 6 नंबर भी दे रहा है बार बार, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग मिलान करें तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर यहाँ पर 127 का सही हो जाएगा, सी। ठीक है, 15632, तो इसका मतलब पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा ताराचंद। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ताराचंद। ठीक, उसके बाद बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के यहाँ पर बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के दत्ता। ठीक, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, मतलब कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। आनंद मठ की बात करें तो सब लोग जानते हैं आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसकी बात करें तो परसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है वो राजा राम मोहन राय का लिखा हुआ है, और हमारे भारतीय मुसलमान, इसकी बात करें तो हमारे भारतीय मुसलमान लिखा था किसने, WW हंटर ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15632, आंसर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया था, डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, राजपूत सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, बैकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो उन्होंने ही चलाया था, खेरा सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था और राजपूत सत्याग्रह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बैकोम सत्याग्रह जो है इसमें उन्होंने डायरेक्टली भाग नहीं लिया था, हालांकि नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे लेकिन डायरेक्टली उन्होंने बैकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बैकोम सत्याग्रह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कौन से क्षेत्र अशांति से प्रभावित हुए, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर संयुक्त प्रांत, चुनना है आपको एक और दो, केवल दो, दो तीन और एक चार, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा दंगा हुआ था। ठीक है, तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा, एक और चार यानी कि डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया,
बारदोली सत्याग्रह आपको याद होगा, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बारदोली सत्याग्रह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये कब हुआ था, 12 जून को हुआ था, 12 जून 1928 को ये आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहां रखा गया था, यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदगढ़ का किला, अहमदनगर का किला या फिर आगा खां पैलेस। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आगा खां पैलेस, गांधी जी को कहां रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता का कारण कौन सा मुद्दा था, यह मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस की पेशकश, पावर ट्रांसफर की तारीख या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर गोलमेज सम्मेलन जो था वो विफल हो गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीयों को नागरिकता भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना, टू लिमिट सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, टू बैन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को व्यापक बनाना, टू बोर्डन द इश्यू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। और लास्ट है, टू अरेस्ट नेशनल लीडर ऑफ ट्रेजर, तो देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करना। रॉलेट एक्ट का क्या वो था, रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वो था भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना। यहां पर इसको कहा जाता था नो अपील, नो कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, ठीक है, ये कहा जाता था इसके बारे में, ठीक। तो क्यों कहा जाता था, क्योंकि मतलब कि किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट के अनुसार, ठीक है। और फिर उसको जो है ना, कोई अपील नहीं होता था, कोई दलील नहीं होता था, कोई वकील काम नहीं आता था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित इसने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 1861, 1891, 1893 और 1897। तो 1893 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, बता भी दिया, खैर जो भी है, 1893 में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था, और विश्व हिंदू महासम्मेलन जो था अमेरिका में उसमें भाग लिया था, और 1857 में, चार साल के बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या फिर जेबी कृपलानी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। 1938 में कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे, कहां पर, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस बने थे। और इसके नेक्स्ट ईयर 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, उसके भी शुरुआती अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे वो गर्म खून के थे, वो अंग्रेजों से आजादी छीनना चाहते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी इत्यादि जो थे वो अहिंसक आंदोलनों में विश्वास करते थे, तो इस कारण से दोनों में मतभेद हुआ और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि 1939 के चुनाव में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया का प्रचार किया था, लेकिन उनके गांधी जी के प्रचार के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतना ज्यादा थी कि लोग त्रिपुरी में अधिवेशन में वही चुने गए थे। अच्छा, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अध्यक्ष, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो लगाया था 1765 में, ये आपको पता होगा, 1765 से लेकर 1772 तक ये चला था, ठीक है, जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी वो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। और इसको समाप्त किसने किया, समाप्त किया इसको यदि हम लोग देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया 1772 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा, जमाशाह,
दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा शाह शुजा से। रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। हुआ द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेसली। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा सहायक संधि किसने चलाई थी? लॉर्ड वेलेसली ने चलाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया या फिर कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यह किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। कब किया था? 31 दिसंबर 1802 को स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, एमडी इकबाल, उसके बाद आगा खां और अरविंदो घोष। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर यदि आगा खां ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आगा खां मारना है, लेकिन यदि साथ में सलीमुल्लाह भी हो ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सलीमुल्लाह हो जाएगा, उसके बाद आगा खां हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो पहला जो है सलीमुल्लाह खान होगा, उसके बाद आगा खां होगा, और उसके बाद जो होगा आपका मोहसिन उल मुल्क होगा। ठीक है, मोहसिन उल मुल्क होगा। ये तीनों का ही योगदान था, लेकिन ये क्रम वाइज मैं बता रहा हूं कि पहले यदि ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो सलीमुल्लाह मारेंगे, उसके बाद ना दिया रहे तो आगा खां मारेंगे, और उसके बाद भी ना दिया रहे तो मोहसिन उल मुल्क मारेंगे। ठीक है, और अगर तीनों दिया हुआ है तो किसको मारेंगे? सलीमुल्लाह को मारेंगे। ठीक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन कमेंट में बताइएगा कि स्थापना कब हुई थी, कई बार बता चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर अरविंदो घोष। ठीक है, तो यहां पर आत्मीय सभा में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो है आपका राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का वो प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 140 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और हम लोग 70 और क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।